चना दाल है, अदरक है, मिर्ची है, लहसुन है, इसको दरदरा पीसेंगे पीठा बनाने के लिए हम, जिसको फर्रा भी बोलते हैं, बहुत जगह पीठा बोलते हैं, उसको बनाने के लिए इसको हम दरदरा पीसेंगे अभी बिना पानी का। जरूरत होगा तो 1-2 चम्मच पानी डालेंगे, ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना। बहुत पिस गया है, अब इसको इसी तरह दरदरा थोड़ा रखेंगे। धनिया पत्ता, नमक ये सब डाल के फिर इसको, चावल के आटे में भी बनता है और गेहूं के आटे, हम गेहूं के आटे में बना रहे हैं, चावल के आटे में नहीं बना रहे हैं अभी, दूसरे बार चावल के आटे में भी बना के आपको दिखाएंगे। इसमें धनिया पत्ता डाल दिए हैं, नमक मिला देंगे। स्वाद अनुसार आटा गूंद के रखे हैं, इसमें मोयन नमक और अजवाइन डाल दिए हैं और इसको गूंद के रखे हैं पहले से। अब इसमें को खाना बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। मैं खटास के लिए थोड़ा नींबू डाल रहे हैं, इससे टेस्ट अच्छा लगता है। नींबू डाल के मिला दिए हैं, बनाते हैं तो आपको दिखाते हैं। इसमें स्टीम होने के लिए फर्रा डालेंगे, इसलिए इसमें घी तेल लगा के उसको रखेंगे, बनाने स्टीम होने के लिए इसमें डालेंगे। इसको इस तरह बेल लेंगे, इसके बीच में एक साइड में ये डाल देंगे। इसको इस तरह मोड़ के फॉक से इसका मुंह बंद कर देंगे हम इस तरह से। दोनों साइड से इस तरह से दाब देंगे कि दाल बाहर नहीं निकले। जो दाल बाहर निकला है उसको हटा देंगे इस तरह से, कमी भरेंगे कि बाहर ना निकले, थोड़ा कमी भरेंगे। इस तरह इसमें तेल लगा दिया है, अभी इसमें डाल देंगे इस तरह से। इसी तरह दूसरा भी बना लेंगे हम। इसको स्टीम होने के लिए पानी गर्म होने दिए हैं,
खोलने लगेगा, उसके ऊपर इसको डाल के ऊपर से ढक्कन डाल देंगे। ये फ्राई बना के रख लिए हैं, दो फ्राई इधर है, उसके ऊपर थोड़ा हम तेल लगा देंगे कि चिपके नहीं, इसके ऊपर तेल लगा देंगे हम। कि एक दूसरे में चिपकेगा नहीं, ये नीचे तेल लगा हुआ है, इसके ऊपर भी लगा देते हैं, तो इसको इस तरह से रख देंगे तो चिपकेगा नहीं। और इसको स्टीम होने के लिए हम अब डाल देंगे। अब स्टीम होने के लिए पानी खोल गया है, अब स्टीम होने के लिए हम डाल देंगे। इसके ऊपर बैठा देंगे, ऊपर से ढक्कन रख देंगे। ऊपर से ढक्कन रख दे, ये स्टीम हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल के फिर दिखाएंगे आपको। पका है कि नहीं इसको देखने के लिए चाकू डाल के देखेंगे कि अगर इसमें लगेगा तो मतलब नहीं पका है, अगर नहीं लगेगा तो पक गया है। देखिए एकदम पक गया है, इसको निकाल लेंगे, इसको ठंडा होने देंगे निकाल के, उसके बाद हम दिखाते हैं क्या करना। बन गया है, इसको फरा भी बोलते हैं, इसको अब काट के फ्राई करेंगे। इस तरह का छोटा छोटा पीस काट लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे घी में अच्छे से। फ्राई करके बहुत ही अच्छा लगता है, आप स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, इसको खाना में भी खा सकते हैं, सॉस चटनी किसी के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ये आटा से बनाए हैं, बहुत हेल्दी है, इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं गरम गरम जब बने तो, अगर ठंडा हो गया है तो इसको फ्राई करके खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। घी में फ्राई कर रहे हैं, देसी घी में, बहुत ही टेस्टी लगता है इसमें घी में फ्राई करने से। आप रिफाइन ऑयल में भी, अगर रिफाइन ऑयल खा सकते हैं तो रिफाइन ऑयल में भी कर सकते हैं। इसको इस तरह बैठा कर फ्राई करेंगे सबको। एक बार में जितना आएगा सबको फ्राई कर लेंगे, ये फ्राइड हो जाएगा तो पलट देंगे। पलट रहे हैं इसको, ये ठीक करके एक साइड हो गया, दूसरा साइड पलट रहे हैं, इसी तरह सारे को पलट देंगे। बहुत टेस्टी है, आप भी बनाइए खाइए, और क्रिस्पी भी है, बहुत ही अच्छा लगता है ठंडा के दिन में, ये सब अच्छा लगता है खाने में। देखिए हो गया है, इसको निकाल रहे हैं, बहुत टेस्टी बना है, आप भी बनाइए खाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा। इसको सॉस चटनी के साथ खा सकते हैं, आलू की सब्जी की भी बना के खा सकते हैं आप, इसके साथ आलू टमाटर की सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। दूसरा बैच भी इसी तरह डाल, खाने के लिए रेडी है। इसको धनिया पुदीने का चटनी है, दही सॉस है, दही का चटनी है, आप इसको खाइए, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही हेल्दी है, आप बनाइए खाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा। प्लीज सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, थैंक यू।
अच्छा लगता है। घी में थोड़ा सेक लिए नॉन स्टिक।